भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। अगर यहां होती मैं उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में उस बच्ची को परेशान मत कीजिए जी। कुछ समय पहले तक यहां के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है, साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी अभी उल्लेख कर रहे थे, जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी देके गया था। मैंने सवाल उठाया था, क्या जम्मू में भी आईआईटी और आईएम जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? वो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोधगया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससीआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके। 50 ऐसे
45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है, और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं।